अबोहर की किन्नू मंडी में भारतीय किसान यूनियन राजेवाल द्वारा किसानों की लूट होने के आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि जब तक किसानों की लूट बंद नहीं होगी तब तक वे किन्नू मंडी नहीं चलने देंगे। वहीं इस मौके पर डीएसपी अबोहर ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए बैठक की, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी, पिंड मेरा पड़ीसदी गा, मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर हाँ जी। इतने जिन्हें भी भरा मेरे बैठे ने ये सारे मध्य वर्गी परिवारों के संबंध रखते किसान ने। तो जिहड़ा किन्नू की खेती है लगभग 40-50 साल की खेती होंगी, मतलब एक व्यक्ति एक उम्र के एक बार ही बाग पाल सकता है। तो साढ़े बजुर्ग जे पिताधारियों के भी साढ़े वेलिया असी एक किले किन्नू का बाग बेचते हैं ना जी, एक किला जमीन मुल खरीद लेने स क्योंकि उदो किन्नू के रेट सानू वधिया मिलते सन। साढ़े बगीचिया च कोई बगीचा कह दिंदा, कोई सानू किन्नू प्लाट कह दिंदा जिथे खेतों के विचों, पर जदों दे ये मिडल मैन विच आ गए ने साढ़े दलाल जिन्हों आप कहने ये जिहड़ा वधिया व्यापारी वो साढ़े मत्थे तां लाउंदे ही नहीं जी। ये व्यापारी नू हाईजैक कर लैंदे ने, भाई तैनू किन्नियां गड्डियां माल चाहीदा, वो अगला दा मैनू जी 100 गड्डी माल चाहीदा। उहदा वी इक शर्त आ, तू किसी फार्मर के मत्थे नहीं लगना, असीं तैनू 100 गड्डी जिहड़ा माल प्रोवाइड करावांगे। वह फिर साढ़े फार्मरां तों जां तां बहुत घट रेट ते लै लैंदे, शोषण करदे आ, उस तों बाद मंडी च लै आउंदे आ आप, ते जिहड़ा वधिया एक नंबर दा पैसा ये वट लैंदे आ। अज तो महीना पहला साढ़े जिहड़ा कोई वधिया वधिया आगरे वाले पासे दे व्यापारी सी, उह साढ़े खेतां दे विच सानू 31 रुपये 30 रुपये साढ़े नाल सौदे होए ने, असीं तुहानू उहनां दीआं रसीदां वी विखा सकदे हां। पर जिद्दण दी आ मंडी चल पई, अज तो हफ्ता पहलां चली है, उही रेट साढ़े 19 तो लै के 24-25 रुपया तो हो गए, वह भी नाल कंडीशनां रखते हैं। असी तोते का टुकिया नहीं लैना, असी सन बर्निंग वाला नहीं लैना, असी दूजा गब्बू गोशा टाइप वो नहीं लैना। वो फिर साडा किन्नू दसो सानू क्राइटेरिया की है साडा, ये आपकी मन मर्जी करते हैं जी। सानू मंडी दे विच बाई जी रेट सही मिलता हुंदा, ते आ सारे जिहड़े फार्मर मेरे नाल दे ने वो इत्थे क्यों आउंदे? असी एक किसान का पहले ही शोषण हो चुका है, वो भावें दी MSP ते कर लो जां वो DAP खाद कर लो जिहड़ी अज 1000 नू मिलदी सी, अज 2000 नू ब्लैक च मिलदी आ। स्प्रेयां जिहड़ियां नरमा साडा अगे खत्म हो गया, साडा इक्को इक जिहड़ा आसरा सी ओह किन्नू दा बाग सी साडी, जिहड़ी सानू उहदे ते वी ਅਸੀਂ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਬਾਗ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 20 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 30 ਪੈਸੇ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਈਏ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 10-12 ਰੁਪਈਏ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਮਤਲਬ 30% ਹੀ ਫਲ ਹੈ, ਫਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੱਚੇ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਰੇਟ 30-35 ਰੁਪਈਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬਾਗ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਵੇਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਬਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਦਲਾਲ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 12-13 ਆਪਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ, 12-13 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੂ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੂ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਐਡਾ। ਪਰ ਮੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 21 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿੰਨੂ ਚੰਗਾ ਕਿੰਨੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 8-10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 18-20 ਰੁਪਏ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ?
नहीं लड़ाई असी व्यापारी बंदे जी असी लड़ाई पूरे नहीं आते लड़ाई दे असी तो ये किसान है तो आड़ती हैगा मंडियां है असी साढ़े ही भरा चलो उन्होंने डिमांड कोई हैगी है तो असी डिमांड से खरे उतरन तैयार हाँ टेबल टॉक करे कोई कमी है असी बह के दूर करा लड़ाई नहीं होगी जी साढ़े वालों कोई लड़ाई होनी चलो भरा है कोई जे लैके आ रहे कोई ट्राली लैके आ रहा कोई टैंपू पिकअप लैके आ रहा उन्होंने जाके उन्होंने धमकार भी रहे हैं कह रहे हैं भी चलो तू क्यों लैके आया तेनों पता नहीं सी मंडी बंद हैगी है वो कहता मैंने नहीं पता क्यों किसान यूनियन कि एक हैगी है 30-40 यूनियन हैगी है तुहाडे वल्लों मैसेज लाया शायद उन्होंने को नहीं पहुँचा ठीक है बाकी जिन्हों नीड हैगी है दिवाली का त्यौहार आ गया उन्होंने 50,000-20,000 की लड़ हैगी घर विह रखे सो है उन्होंने रुपये की लड़ है फ्रूट तोड़ के लिया के बेचेगा मंडी जी बनी किस वास्ते है जी मंडी किसान की फसल का सही मुल दी है यह जी गल नहीं भी कितने मुल नहीं मिलता जोड़ा है वो लिया के बेचने जोगा ठेकेदार वो जा नहीं रहा ठीक है वो या तो डेग लेगा उन्होंने ड्रोपिंग से उन्होंने लिया के बेच रहा जोड़ा मुल मिल रहा वो लै रहा वो उही तो गल है जी मंडी जी है किसान के फायदे वास्ते सरकार ने यह एडे एडे प्रोजेक्ट लाए हैं जी मंडिया बना बना के 10-10 करोड़ दी मंडिया बनाई हैं ये फायदे वास्ते बनाई किसान के फायदे वास्ते बनाई है आड़तियों वास्ते थोड़ी बनाई किसान के वास्ते बनाई है ठीक है असं माध्यम है एक उन्होंने रल के काम करने का चैन हैगी है व्यापार व्यापार वर्ग है असी व्यापार में चलाने वास्ते व्यापारी सहूलियत भी देने कोई उधार भी करते हैं वह जमींदार नाल दी नाल पेमेंट दे के कैश घर भेजते हैं उनका ऊँ काम चल जाता है असी 2 रुपये के लाल दे विच इत्थे बैठे हैं जिहड़ा लैके आ रहा है भरा जे चलो धरना दे बैठे है उन्होंने पूछो भी किन्ने बंदे जे किनू लैके आए सीजन उन्होंने किन्ने बंदे लैके आए हैं मैं कहना जी एक सिंगल परसन नहीं लैके आया होगा इतने किनू जिहड़ा जिहड़ा विरोध कर रहा है ठीक है दूजे जे तुहाडे सामने है जी जिहड़ा वेख लो उन्होंने पूछो जी किन्ने बंदे लैके आए हैं तो जिहड़े लैके आए हैं तुम प्रॉब्लम दसो जी की आई है तुहानू टेबल टॉक करो साडे मेज ते बह के साडे नाल प्रशासन सैकटरी साहब ने सानू उस दिन परसों ही सानू कहता जी तुहाडी मंडी खुली है तुम माल मंगाओ माल विकेगा तो सैकटरी साहब फाइल कर तो नहीं अज पहुँचे नहीं गए अभी तक इतने DSP साहब भी आए हुए हैं कोई लड़ाई दंगा कुछ इस तरह ना हो नहीं साड़ी कोई अजी मंशा भी नहीं असं तो हाथ जोड़ के बेनती करने वाले बंदे हाँ जे जो किसान जे जे साडे आए हैं उन्हों का माल विकना विकना चाहिए जे तुहानू लगे भी कितने नुकसान है दिल्ली की रिपोर्ट ले लो दिल्ली का तो अवोर के रेट कंपैरिजन करके वेख लो जे तुहानू लगे भी दिल्ली नालों चंगे रेट इतने अवोर के मिल रहे हैं